नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और आज कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वीडियो लेट से अपलोड हो रहा है, जिसके कारण मैं क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों, आज 17 नवंबर 2019 है और 17 नवंबर 2019 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विलुप्त प्राय गिद्ध के 4 बच्चे मिले हैं? तो दोस्तों, ये बेगूसराय में मिला है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यही देखिए, गिद्ध के बच्चे हैं और यह विलुप्त प्राय है, यानी इसकी प्रजाति अब खत्म होने के कगार पे है। और इसी के 4 बच्चे मिले हैं बेगूसराय में। अब नाम आया बेगूसराय का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं बेगूसराय कहाँ पे है। ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका बेगूसराय। बेगूसराय जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, पटना है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, मुंगेर है और लखीसराय है। अब नाम आया है बेगूसराय का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। बेगूसराय जो है ये मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुख्यालय इसका बेगूसराय हो गया। इसका गठन हुआ था 1972 में। क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 63.58%। जनसंख्या गणना है 1549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 895 महिला प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख फसल गेहूं, मिर्च, मक्का है। बेगूसराय जिला के बरौनी में बिहार का सबसे बड़ा उर्वरक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और बेगूसराय के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नेपाल हाई डैम बनाने को तैयार हो गया है? तो दोस्तों, कोसी नदी पर नेपाल हाई डैम बनाने को तैयार हो गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस योजना से बिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी तथा सिंचाई की भी सुविधा प्राप्त होगी। अब नाम आया नेपाल का, तो चलिए विश्व के मैप में देखते हैं नेपाल कहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया विश्व का मैप, इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना भारत और इससे सटा हुआ है, देखिए ये है नेपाल। नेपाल जो है भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। अब नाम आया है नेपाल का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा इसका नेपाली रुपया हो गया। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली है और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से सटी हुई है, जो कि है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह देश जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 88% हिंदू है। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। और संसार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 14 ऊंची चोटी हिमालय श्रृंखला में, यानी संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखला में 8 नेपाल में है, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट भी नेपाल में है। और नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है। 20% पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में के काठमांडू में है। और नेपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोखरा है, जहाँ सालों भर विश्व के विभिन्न देशों से पर्यटन आते हैं। और ये है दोस्तों नेपाल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में पटना के कितने पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है? तो मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में पटना के 4 पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में पटना भ्रमण को फिर से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत छात्र छात्राओं के पटना परिभ्रमण के दौरान यहाँ के 4 स्थलों यथा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, गांधी मैदान, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम की भी सैर कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पानी शुद्धता रिपोर्ट में पटना को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, हाल ही में पानी शुद्धता रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना को पूरे देश में 10वां स्थान मिला है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और सबसे शुद्ध पानी मुंबई का है, जो कि 1वां स्थान पर है, 2वां स्थान पर हैदराबाद है और 3वां स्थान पर भुवनेश्वर है। और भारत में सबसे खराब पानी दिल्ली का कहा गया है। और 21 शहरों का पानी का शुद्धता रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने जिलों में पॉक्सो कोर्ट की शुरुआत की जाएगी? तो बिहार के 22 जिलों में पॉक्सो कोर्ट का शुरुआत किया जाएगा। जिस जिला में बच्चों के यौन शोषण के मामले 100 से अधिक हैं, ठीक है, उस जिला में स्थापित किया जाएगा पॉक्सो कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर शोध संस्थान खोला जाएगा? तो ये पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा।
ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और पटना सेंट्रल लाइब्रेरी में वशिष्ठ नारायण जी पर गैलरी भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत अब शहर से लेकर गांव तक सरकारी अनाज पहुंचाने वाली गाड़ियों में खाद्य सुरक्षा फसल योजना लाभुक तक पहुंचाएंगे और चावल गेहूं लगाएंगे नामक गाना बजाया जाएगा। तो इस योजना का नाम है खाद्य सुरक्षा सफल योजना और इसी के तहत यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। यह योजना लाभार्थियों को आकर्षण बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य खाद्य निगम ने अनाज की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाली गाड़ियों में बजवाने के लिए उक्त गीत को तैयार कराया है और इसकी थीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पंच लाइन से तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाया जाएगा तो यह किस व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा मेघा दिवस। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है, ये भी 16 नवंबर को ही मनाया गया है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी 16 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। से कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल में बिहार निवासी विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी का निधन हो गया है, वे बिहार के किस जिला के निवासी थे? तो भोजपुर जिला के निवासी थे। और आज का दूसरा, कल का दूसरा क्वेश्चन था, बच्चों के लिए बजट बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो तीसरा बन गया है। बिहार के अलावा सिर्फ 2 राज्य केरल और असम में बाल कल्याण बजट बनाया जाता है। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, गांधी जी से जुड़े टीका पट्टी नामक गांव को विकसित किया जाएगा तो ये किस जिला में है? और बिहार के किस खिलाड़ी को विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक मिला है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।